तो दोस्तों बहुत दिनों के बाद फाइनली पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के ऊपर में पांच ऐसे वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऐसे पांच बातों के बारे में जो कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी 2020 में अपने आप में ये चेंज कर सकती है। तो अगर आप 2018 से लेकर 2021 वाले सेशन के या फिर 2019 से लेकर 22 वाले सेशन में हो या फिर 2020 में एडमिशन क्यों लेने वाले हो, फिर भी आप लोग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है तो मैं इसमें एक एक चीज़ बताऊंगा टिप्स बाय टिप्स। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं जाना। लेकिन उससे पहले पाटलिपुत्र के जो इस बार एडमिशन लिए हैं 2019 में वो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर एक बात मुझे बताइए कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पार्ट वन का कब होता है रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों मैं बता दूँ कि पिछले साल जो हुआ था आपको, ठीक है, जो हुआ था रजिस्ट्रेशन, ये देखो यहाँ पर ये इसकी ये है कि पिछले साल PPU में रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ाई गई थी और आपको लास्टली 2018-19 के UG PG वोकेशनल BEd एंड प्रोफेशनल कोर्स में नामांकित छात्रों के रजिस्ट्रेशन की तिथि 28 फरवरी कर दी गई थी और 20 फरवरी से शुरू हुई थी, 28 फरवरी लास्ट डेट दी गई थी। तो फिलहाल मैं बता दूं कि आपको उसी समय फरवरी में होगी, मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दी है, अगर आप चाहते हो देखना तो ये वाली वीडियो देख लो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, ठीक है, इसमें मैं पूरी डिटेल्स बताया हूँ। तो बिना फालतू बात मतलब खत्म करते हुए शुरू करते हैं आज का मेन टॉपिक। चलिए दोस्तों पहला जो मुख्य बदलाव होने वाला है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में वो ये है कि पाटलिपुत्रा में जो भी आपको पहले एग्जाम फॉर्म भरते थे, ठीक है, जो भी एग्जाम फॉर्म भरते थे या फिर आप करते थे रजिस्ट्रेशन, वो सब अब ऑनलाइन होने वाली है, ठीक है। ये 2020 में चाहे तो पाटलिपुत्रा कर देगी क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो ऑनलाइन होते ही है, लेकिन एग्जाम फॉर्म भरने के लिए आपको अपने स्कूल जाना पड़ता था। अब होता क्या था कि जो लोग बाहर रहते हैं या फिर जो लोग बाहर वर्क करते हैं वो लोग को बहुत मुश्किल होती थी फॉर्म भरने में, तो अब ऑनलाइन ही सेवा दी जाएगी आप, ताकि आप वहीं से इसके पोर्टल से आपको मिल जाएगी पोर्टल का लिंक, उसमें जाकर आप ऑनलाइन ही एग्जाम फॉर्म रजिस्ट्रेशन के साथ में एग्जाम फॉर्म भी भर सकते हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता क्या होता है रजिस्ट्रेशन, क्या होता है एग्जाम फॉर्म, तो मैंने ढेर सारी वीडियो बना दी है, जाके आप मेरे चैनल के पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो, ठीक है। दोस्तों नंबर टू बदलाव होने वाली है कि साल 2020 में अगस्त के बाद एक भी एडमिशन नहीं होगी। अब इसमें क्या है चक्कर सुन लो, क्योंकि दोस्तों 2019 में जो पाटलिपुत्र आई थी उसमें ये कहा गया था कि आपके एडमिशन बहुत जल्द हो जाएगी, लेकिन एडमिशन होते होते वोकेशनल कोर्स का फंसते आपको दिसंबर तक एडमिशन चली, लेकिन 2020 में कहा गया है यूनिवर्सिटी के रूप में साफ साफ कि अगस्त के बाद में किसी भी हाल में कोई भी किसी भी सेशन का एडमिशन मेरे यहाँ नहीं ली जाएगी, बिल्कुल PhD, लेकिन PhD को छोड़कर, ठीक है, PhD को छोड़कर बाकी सब यही रूल्स है कि एडमिशन नहीं ली जाएगी तो नहीं ली जाएगी, ठीक है। चलिए दोस्तों थर्ड उपाय आपका जो होने वाला है वो मुख्य बदलाव ये है। तो दोस्तों यहाँ पर तीसरा उपाय यहाँ पर ये होने वाला है कि हो सके तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी जो पेमेंट आप लोग करते हो 2020 में, जो पेमेंट आप करोगे एडमिशन के लिए फिर जो भी कुछ करोगे, उस सभी पेमेंट आपको कॉलेज को ना देकर आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करनी पड़ेगी। मैं बता दूं कि पटना यूनिवर्सिटी में ये नियम पहले से, ये पटना सिटी में जो है सबको पेमेंट ऑनलाइन होती है, किसी भी कॉलेज को पैसा नहीं दी जाती है। इससे फ़ायदा क्या है स्टूडेंट सुन लीजिए, कि जो कॉलेज वाले जो आपको एक्स्ट्रा चार्ज रखते हैं ये चार्ज वो चार्ज या फिर एक्स्ट्रा चीज़ में काटते हैं पैसा, तो वो आपको नहीं कटेगी, आप ऑनलाइन ही फी पेमेंट कर सकते हैं या फिर चालान के माध्यम से भी पेमेंट आप कर सकते हैं, वो सब आपको ऑनलाइन ही होगा। तो ये आपको बहुत अच्छी सुविधा दी जाएगी, इसके पोर्टल से ही आप ऑनलाइन घर बैठे पेमेंट कर सकते हैं पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री या फिर किसी भी एग्जाम फॉर्म का, ठीक है। दोस्तों चौथा जो मुख्य उपाय जो बदलाव होने वाले हैं वो ये है इस प्रकार, वो ये है कि इसमें गेस क्वेश्चन जो आप गेस करते हो, क्वेश्चन जो आएगी वो गेसेस क्वेश्चन, गेस वाले पेपर के क्वेश्चन वो आ सकते हैं। क्योंकि देखो 2018 में जो पाटलिपुत्र आई थी उस समय क्या था कि उस समय मगध यूनिवर्सिटी का ये कॉपी किया था और इसके तहत में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो बदलाव कर दिए गए थे, इससे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई गेस क्वेश्चन पढ़ने के बावजूद भी। इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि 2020 में जो आपको दी जाएगी एग्जाम वो बिल्कुल गेस क्वेश्चन जो आपको गेस पेपर आती है उसके तहत में उसको क्वेश्चन आपको टकराएगी ताकि बच्चे फेल ना कर सके। वैसे बता दूं कि पाटलिपुत्र जो एग्जाम होता है वो मगध यूनिवर्सिटी से काफ़ी ज़्यादा भारी भी होता है, मैं आपको लड़ाना नहीं चाहता हूँ। दोस्तों पांचवा और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव जरूर सुने वो ये है कि पाटलिपुत्र हो सके तो अपना आपको पाठ्यक्रम चेंज कर सकते हैं, किताब को चेंज कर सकती है, जो अभी तक मगध का पढ़ रहे हो वही थी पहले, लेकिन हो सके 2020 में तो आपको ये चीज़ चेंज कर सकती है। इसके लिए न्यूज पाटलिपुत्र ने 2019 में ही दे दी थी, लेकिन इस पर भी मैंने वीडियो बनाई भी थी, वो वीडियो देखने के लिए आप ये लिंक पर क्लिक कर लो, इसकी वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैंने वीडियो बताई थी कि 2020 में कैसे पाठ्यक्रम का बदलाव होगा, तो हो सके तो इसका असर आप लोग भी पढ़ सकता है, हो सकता है तो आप लोगों की किताब भी चेंज हो सकता है, ठीक है। ये देखो ये न्यूज है यहां पर, मैं दिखा दूं न्यूज आप लोग को।
हो सके तो ये इसका असर आप लोग पर पड़ सकता है। और आप लोग पर दोस्तों इसके लिए तैयार रहिए कि पाटलिपुत्र कभी भी आपको स्नातक का पाठ्यक्रम चेंज कर सकता है। मैंने इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो बनाई है, अगर आप देखना है आपको तो इसको देखने के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, ताकि वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं उसका भी लिंक मैं प्रोवाइड आपको करवा दिया हूँ। तो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में स्नातक का पाठ्यक्रम हो सके तो चेंज हो सकता है, तो आप इसके लिए पहले से रेडी रहो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है। दोस्तों ये थे 5 बड़े बदलाव। अगर आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हो इसका मतलब कि आपको मेरी वीडियो पसंद आए, तो अभी लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए हर छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए। पाटलिपुत्र मगध बिहार, ठीक है, जो भी यूनिवर्सिटी है आपको बिहार यूनिवर्सिटी पाने के लिए अभी अपडेट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। गुड बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।